नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑलराउंडर भाई यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है सुनील कुमार और आज मैं लर्न इन 3D मैक्स हिंदी ट्यूटोरियल का लेसन नंबर 5 बनाने जा रहा हूँ। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। ओपन करते हैं 3D मैक्स। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ ऐसे मॉडिफायर्स के बारे में बताऊँगा जिसके थ्रू आप उन ऑब्जेक्ट्स में आसमानी परिवर्तन कर पाओगे। तो इसे कैसे यूज़ करना है आप ही देख लीजिए। इस मॉडिफायर को मैं यूज़ करूँगा सिंपल बॉक्स के अंदर। तो यहाँ पे मैं एक बॉक्स क्रिएट कर लेता हूँ और टॉप व्यू पर एक बॉक्स क्रिएट कर दूँगा 25x25x25 पैरामीटर में, और इसके अंदर जो हम सेगमेंट डालेंगे उसकी अमाउंट भी 25x25x25 रहेगी। टॉप व्यू को ऑल्ट डब्ल्यू से लार्ज कर लेंगे, देन लेंगे मूव टूल। इसको मैं मूव करता हूँ लेफ्ट हैंड साइड में और अमाउंट रखूँगा इसकी -75x25x0। इसके बाद इसी की एक कॉपी ले लूँगा नीचे की साइड, इसमें अमाउंट रखूँगा वाई में -25। देन अब इस ऑब्जेक्ट की हमें कॉपी करनी है, लेकिन जैसे कि हर ट्यूटोरियल के अंदर मैं आपको एक नया ऑप्शन बताता हूँ, इसमें भी बताऊँगा कि शिफ्ट प्रेस करके आपको ड्रैग करके कॉपी करना है, तो मैंने पहले भी बताया था। इसके अंदर मैं आपको बताऊँगा कि टूल मेन्यू में एरे के थ्रू कैसे आप इन ऑब्जेक्ट्स की कॉपी बना पाओगे। एरे एक ऐसा टूल है जिसके ज़रिए आप मूव, रोटेट, स्केल कॉपीज़ के साथ कर सकते हो, और इसमें प्रॉपर आपको पैरामीटर पहले से ही मिलेगा। तो फॉर एग्जांपल, मैं इस ऑब्जेक्ट की कॉपी करना चाहता हूँ 4 times, और यहाँ पर एक्स अमाउंट मैं डाल देता हूँ माइनस में तो ये है ही 25। देन यहाँ पर प्रीव्यू पर क्लिक करता हूँ। अभी प्रीव्यू कुछ इस टाइप का शो कर रहा है। मैं एक्स एक्सेस कर देता हूँ 50, देन दोबारा प्रीव्यू करता हूँ। अब परफेक्ट पोजीशन आ चुकी है, देन कर देते हैं ओके। ऑल्ट डब्ल्यू से वापस स्मॉल कर दूंगा। तो अभी हमारे पास सैम्पल टेस्ट करने के लिए ये 8 बॉक्सेस हैं। एक प्लेन क्रिएट कर देता हूँ ताकि इसका इंटरफेस और बेटर दिखाई दे। इसकी साइज मैं रखूँगा 200x300 और सेगमेंट 1x1, क्योंकि प्लेन पर हम कोई मॉडिफायर नहीं अप्लाई करने वाले। तो सबसे पहला रूल आप समझ लो कि ज़्यादातर जो मॉडिफायर हैं उसमें रिक्वायरमेंट होती है सेगमेंट्स की। अब ये देखने में तो नॉर्मल बॉक्स दिखाई दे रहे हैं, लेकिन F4 प्रेस करने पर इसमें आपको कई सारे सेगमेंट्स शो करेंगे। तो जी से ग्रिड हटा देता हूँ, देन इसे मैं कर देता हूँ शेडेड मोड एज फेसिस के साथ। और अब हम स्टार्ट करेंगे मॉडिफायर्स की टेस्टिंग। सबसे पहले मॉडिफायर आपको मिलेगा कहाँ पर, यहाँ पे एक ऑप्शन है मॉडिफायर का, और यहाँ पर आपको मिल जाएगी मॉडिफायर लिस्ट। मॉडिफायर लिस्ट के अंदर आपको कई सारे ऑप्शन मिलते हैं, लेकिन सारे के सारे किसी ऑब्जेक्ट पर अप्लाई हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो मैं मॉडिफायर्स पर वीडियोस आगे भी बनाऊंगा, जिन वीडियोस को देखने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। तो अभी फिलहाल हम यहाँ पर 8 सैंपल्स के लिए 8 मॉडिफायर्स का इस्तेमाल करने वाले हैं। सबसे पहला मॉडिफायर होगा सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाला हमारा FFD बॉक्स। FFD 2x2, 3x3 या 4x4 सेम वही फीचर आपको प्रोवाइड कराएंगे जो कि FFD बॉक्स के अंदर अवेलेबल होते हैं। सिर्फ इसमें डिफरेंस क्या है, यहाँ पर आप नंबरिंग चेंज कर सकते हो। तो अभी जो मॉडिफायर मैंने अप्लाई करा है ये इन चारों के अंदर अप्लाई हो गया है। इसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। इनको डिलीट करके ये दोनों ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करें, टूल के अंदर गए, यहाँ पर इंस्टेंस मैंने अप्लाई करा हुआ था जिससे कि एक ऑब्जेक्ट की जब आप कॉपी लोगे तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट में या किसी भी ऑब्जेक्ट में हम कोई भी चेंजेस करेंगे उसके क्लोन में होने वाले दूसरे ऑब्जेक्ट में भी वही चेंजेस होंगे, लाइक जुड़वा भाई की तरह। तो अभी तो फिलहाल हम इसे कॉपी करेंगे ताकि सब में प्रॉपर्टीज अलग अलग वर्क करें। अमाउंट यहाँ पे सेट है, कॉपीज यहाँ पे सेट है, और कॉपी पे मैंने क्लिक भी कर दिया, देन प्रीव्यू और ओके। तो सबसे पहला डाउट जो आपके दिमाग में भी आ सकता था वो इस वीडियो के जरिए सॉल्व हो गया। अब हम दोबारा से मॉडिफायर पे चलते हैं और यूज़ करते हैं FFD बॉक्स। इसका इस्तेमाल मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे कि इस ऑब्जेक्ट में अभी कई सारे सेगमेंट हैं जो कि कस्टमाइज करने में हमारी हेल्प करेगा। FFD के अंदर कुछ एंकर पॉइंट्स आपको अभी फ्रंट में दिखाई दे रहे होंगे, लेफ्ट में भी, राइट में भी, बैक में भी, यानी कि टोटल 6 डायरेक्शंस के अंदर जितने भी सेगमेंट्स हैं उसके थ्रू आप इस ऑब्जेक्ट को कस्टमाइज कर सकते हो। इसमें एक प्लस का बटन है जिसमें कंट्रोल पॉइंट, लैटिस और सेट वॉल्यूम के जरिए आप इनको कस्टमाइज कर पाओगे। जैसे कि अभी सिंपल मैंने एक पॉइंट सेलेक्ट करा, देन मूव करा, आप देख सकते हो कि किस तरह सॉफ्टली ये ऑब्जेक्ट एक नई शेप के अंदर चेंज हो रहा है।
तो कुछ इंटरेस्टिंग था इसमें बना देते हैं। ये मैंने सेलेक्ट करा, देन ऊपर मूव कर दिया और आर प्रेस करके इसे मैंने कर दिया स्केल। ओके नेक्स्ट, इसके अंदर कुछ और प्रॉपर्टीज़ भी आती हैं, जैसे कि लैटिस के अलावा यहाँ पे सोर्स वॉल्यूम का ऑप्शन है। जब मैं सोर्स वॉल्यूम पे टिक करता हूँ तो आप देखोगे कि जो एडिशनली मैंने एरिया स्केल करा था वो एरिया वापस से अपनी सही पोजीशन पे आ चुका है। तो इसको हम ऑफ रखेंगे ताकि जो मॉडिफिकेशन हमने करी है वो इजीली यहाँ पे शो करे। अगर आप अपने सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट पे जूम करना चाहते हो तो सिंपल आपने जेड प्रेस करना है, तो आप उस पर इजीली फोकस कर पाओगे। इसके अलावा नीचे इसके अंदर आता है ट्रांसिशन ऑप्शन, जिसको मैं इंक्रीज करके देखता हूँ 50%, तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि इसके जो कॉर्नर है वो काफ़ी शार्प हो चुके हैं, यानी कि जो मैंने मूवमेंट करी थी उसके शार्प कॉर्नर्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अब जरा इसको मैं ज़ीरो करके देखता हूँ, कुछ इस टाइप से माइनस में ये अमाउंट जारी है और एक यूनिक ही कोई ऑब्जेक्ट बना रही है, तो इसे आप 0 से लेकर 50 अमाउंट तक यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट इसके अंदर है कंटिन्यूटी, जिसको आप सेट कर सकते हो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कि ऑब्जेक्ट कितना और स्केल होएगा या नहीं। जैसे कि मैं ट्रांसिशन के अमाउंट 25 कर देता हूँ, देन यूज़ करके देखता हूँ इसका, कुछ इस टाइप से चेंजेस कर रहा है, यानी कि ये थोड़ा सा श्रिंक करने का या ऑब्जेक्ट को फुलाने का काम करेगा। अगर आप कोई पिलो वगैरह या कोई सॉफ्ट मटेरियल बना रहे हो तो उसके लिए इस ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हो। अब नेक्स्ट इसके अंदर आ जाता है सिलेक्शन एक्स वाई जेड, यानी कि ऑल एक्स पे अगर मैं क्लिक करूँगा तो एक ऑब्जेक्ट पर या एक एंकर पॉइंट पे क्लिक करने के बाद, जैसे यहाँ पे सेंटर पॉइंट मैंने ले लिया, देन क्लिक कर दिया सेंटर पॉइंट पे, तो ये सिर्फ एक्स एक्सेस पर यानी कि इस रेड लाइन के अकॉर्डिंग सिर्फ इसी डायरेक्शन की पूरी लाइन को सिलेक्ट करेगा, देन हम इसे मूव कर पा रहे हैं। ऐसे ही अगर मैं इस एक्स को ऑफ करके वाई पे क्लिक कर दूंगा और पॉइंट पे क्लिक करूंगा तो आप देखोगे कि वाई एक्सिस को ये सिलेक्ट कर रहा है एक ही पॉइंट पर क्लिक करने से, और ऐसे ही अगर मैं जेड पे क्लिक कर दूं वाई को ऑफ करके तो ये कुछ इस टाइप से पूरी की पूरी लाइन को मूव कर पा रहा है। तो ये था सिलेक्शन का मोटिव। अगर आप एक्स वाई जेड तीनों पे क्लिक कर दोगे तो ये तीनों डायरेक्शन में पूरी की पूरी लाइन को ही मूव कर देगा। तो फिलहाल इस ऑप्शन की हमें ज़्यादा ज़रूरत पड़ती नहीं है क्योंकि इसमें इतने एंकर पॉइंट नहीं है कि हम इसे कस्टम सिलेक्ट भी ना कर सकें। नेक्स्ट नीचे रीसेट का ऑप्शन, जिसके थ्रू आप क्लिक करने पर अपने ऑब्जेक्ट को नॉर्मल देख पाओगे। तो मैं तो कंट्रोल जेड कर देता हूँ क्योंकि मुझे ऐसा ही ऑब्जेक्ट ठीक लग रहा है। अब चलते हैं नेक्स्ट ऑब्जेक्ट पे और मॉडिफायर यूज़ करेंगे, इसका नाम है ट्विस्ट मॉडिफायर। देन एंगल अमाउंट बढ़ा दी इसके अंदर मैंने 360, यानी कि घूम के ये अपनी एक्चुअल पोजीशन पे पहुँचेगा। तो ये तो कुछ स्क्रू टाइप का मुझे दिखाई दे रहा है और इसके ट्विस्ट होने पर सेगमेंट्स का बहुत बड़ा रोल है। इसमें डायरेक्शंस भी आती हैं एक्स वाई जेड, तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जैसे ट्विस्ट करना चाहे कर सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं लिमिट पर, तो इसमें बॉटम से लिमिट स्टार्ट होती है ऊपर के लिए, और ऐसे ही देखते हैं लोअर लिमिट कुछ इस टाइप से। तो देख पा रहे हो कि ये जो लिमिट ऑप्शन है किस तरीके से वर्क करता है। इसमें टॉप और बॉटम जो हमारा क्यूब था वो सेम ही शो कर रहा है, लेकिन बीच में जो अमाउंट है वो इन दोनों नंबर्स के बीच में जो ट्विस्ट ऑप्शन आता है उसी के थ्रू शो कर रही है। तो मैं लिमिट को ऑफ कर देता हूँ और पूरे ट्विस्ट को दिखाता हूँ 180 डिग्री में, क्योंकि ये कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। अब चलते हैं नेक्स्ट मॉडिफायर पे, जिसका नाम है लेटेस। एल प्रेस करने पर फर्स्ट नंबर पे ही शो कर रहा है। लेटेस इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर दिखा रहा है, लेकिन एक्चुअल में ये वो स्ट्रक्चर नहीं है जो बनता है। इसके अंदर दो पॉइंट आते हैं, एक आता है जॉइंट, दूसरा आता है स्ट्रक्चर। अभी जो आप देख रहे हो वो काफ़ी बड़े साइज के अंदर जॉइंट को देख रहे हो, जिसकी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे शो कर रही है। अभी फ़िलहाल इसका साइज़ अगर मैं कम कर दूँ, जैसे कि 1 या फिर 0.25, तो अब आप काफ़ी अच्छे से देख पाओगे इस ऑप्शन को। कुछ इस टाइप का ये पॉइंट्स का पूरा एक बॉक्स बना रहा है, लेकिन ये सिर्फ डायमंड टाइप के ऑब्जेक्ट का एक बॉक्स नहीं है। इसके अंदर आपको 3 शेप्स मिल जाती हैं, फर्स्ट है टेट्रा, सेकंड है ओक्टा, थर्ड है इकोसा। देन इसके अंदर सेगमेंट इंक्रीज करने पर ये थोड़ा सा स्पेयर में भी चेंज हो जाएगा, वैसे इसे स्पेयर नहीं जियो स्पेयर कहते हैं। इसके अमाउंट मैं 1 ही रख देता हूँ और नीचे एक ऑप्शन है स्मूथ का, इसको क्लिक करने पर ये ऑटोमेटिकली थोड़ा बहुत स्पेरिफाई में शो करेगा। अगर मैंने इसके 3 सेगमेंट तक दे दिए तो ये ऑटोमेटिकली पूरा का पूरा स्पेयर ही दिखाई देगा। तो
फिलहाल तो इतना स्मूथ और स्पेयर करने की ज़रूरत नहीं है, वन अमाउंट ही काफ़ी है क्योंकि सिस्टम का भी ध्यान रखना है। अभी मॉडिफायर और भी आगे बाकी हैं। इसके अंदर अब चलते हैं स्ट्रक्चर पे। स्ट्रक्चर का साइज़ भी अभी बहुत ज़्यादा है, मैं इसका साइज़ भी कर देता हूँ रेडियस में 0.25 यानी कि एंकर पॉइंट के बराबर ही। इसके अंदर भी सेगमेंट्स आते हैं लेकिन ये वो सेगमेंट्स हैं जो कि इस बॉक्स को मॉडिफाई करने में हेल्प करते हैं। तो अगर आपने कोई अदर मॉडिफाई यूज़ नहीं करना तो आप इस सेगमेंट्स को ना रखें तो बेहतर है। नेक्स्ट आता है साइड्स। मिनिमम साइड्स आप 3 दे सकते हो जो कि ट्राइंगल का होता है, और इसके अगर आप 20-25 साइड्स दे दोगे तो ये ऑटोमेटिकली एक सिलेंडर शेप में शो करेगा। देन मटेरियल ऑप्शन नॉट इम्पॉर्टेंट। एंड कैप इसमें शो कर रहा है, जैसे कि अभी आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि जो एरिया है पूरा ओपन है। अगर मैं यहाँ पे एंड कैप पे क्लिक कर दूंगा तो ये जो एरिया है क्लोज हो जाएंगे, यानी कि ऑब्जेक्ट पूरा सिलेंड्रिकल हो जाएगा। देन स्मूथ करने पर कुछ इस टाइप से फिनिशिंग शो करेगी। तो ये स्मूथ और एंड ऑप्शन हटा देते हैं क्योंकि इससे सेगमेंट बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। बोथ पे क्लिक करते हैं तो दोनों चीज़ों पे वर्क आपको दिखाई देगा। इसे स्ट्रक्चर के अमाउंट मैं कर देता हूँ 0.2 या फिर 0.1 और जॉइंट के अमाउंट 0.15 कुछ इस टाइप का पिंजरा टाइप का ये पूरा स्ट्रक्चर बना दिया। इस पिंजरे के अंदर कितनी हॉरिजॉन्टल कितनी वर्टिकल और कितनी हाइट में लाइंस शो करेगी ये बॉक्स के सेगमेंट पे डिपेंड करता है। फाइल ज़्यादा हैवी ना हो इसलिए मैं इसके सेगमेंट कम कर दूंगा। कुछ इस टाइप का ये स्ट्रक्चर शो करेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट ऑब्जेक्ट पर, और इसमें यूज करने वाले हैं हम एन से नॉइज मटेरियल। ये भी आपको फर्स्ट नंबर पे शो करेगा एन प्रेस करने पर। एन में फर्स्ट अमाउंट सीड्स की आ रही है लेकिन इसको आप जितना भी बढ़ा लो या घटा लो अभी कोई डिफरेंस नहीं दिखाई देगा। नेक्स्ट इसके अंदर स्केल है, इसमें भी डिफरेंसेस अभी आपको नहीं दिखाई देंगे। इसमें डिफरेंसेस होते हैं स्ट्रेंथ से। फॉर एग्जाम्पल मैं स्ट्रेंथ अमाउंट दे देता हूँ 1। कोई चेंजेस अभी शो नहीं कर रहे लेकिन अगर आप किसी दूसरे व्यू में जाके देखोगे तो हो सकता है कि आपको थोड़े बहुत सेगमेंट में चेंज होने वाले दिखाई दे रहे हो। शो करने लग गए कि ये थोड़ा बहुत तिरछा हो रहा है। ओके, फिलहाल इसके अमाउंट हम 1 ही रखेंगे क्योंकि यही अमाउंट काफ़ी पावरफुल हो सकती है अगर मैं इसे स्केल को कम कर दूंगा। तो यहाँ पे स्केल अमाउंट 0 है। आप देख पा रहे हो कि सिर्फ एक्स एक्सिस के अंदर, यहाँ पे गिज़्मो में देखिए एक्स डायरेक्शन ये है और एक्स एक्सिस के अंदर इस टाइप से ये शेप टेढ़ी मेढ़ी हो चुकी है। तो ये काम करता है स्केल का। स्केल के अमाउंट अगर 1 रखूँ तो इस टाइप की कुछ zigzag शेप बनेगी, और अगर मैं इसे बाकी पोजीशंस पे भी दे दूँ तो एक्स वाई जेड तीनों में इस क्यूब में थोड़े बहुत चेंजेस आपको दिखाई दे रहे हैं। 2x2 में कुछ ज़्यादा। इसमें आपका जो स्केल है वो कंट्रोल होता है। स्केल अमाउंट अगर मैं 2 कर दूंगा या 4 कर दूंगा तो ये उसी टाइप से आपके ऑब्जेक्ट को अलग अलग एलिमेंट्स के अंदर शो कर सकता है। तो अगर आप नॉइस की सही अमाउंट डालो तो आप इससे रियलिस्टिक पिलो भी बना पाओगे, स्टोन भी बना पाओगे, देन अदर जो एलिमेंट्स हैं उनको भी क्रिएट कर सकते हैं। सो आई होप दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें साथ में बने बेल आइकन को ताकि टाइम टू टाइम इसी तरीके के होने वाले अपडेट आपके पास पहुंचे सबसे पहले। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में।